नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे पोट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाले रफ पैड की, जिसका कि मॉडल है 8.5E। और ये कुछ उसकी पैकेजिंग है। इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये पैड देखने को मिल जाएगा, और बैक साइड पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हैं, आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं। और इसमें ये 21.5 सेंटीमीटर का राइटिंग एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है, ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो इसका MRP है वो 799 रुपीज़ लिखा हुआ है। मैंने इसे अमेज़ोन से 350 रुपीज़ का परचेज़ किया है, और यही इसका प्राइस रहता है। लगभग आप 300 से लेके 400 के बीच में कभी भी यहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमें इस तरीके से अपना ये रफ पैड देखने को मिल जाएगा। ये ऊपर इसमें राइटिंग पेन दिया गया है, और नीचे डिलीट बटन दिया गया है, और इधर पोट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे लैनियार्ड अटैच करने के लिए एक होल दिया गया है। और बैक साइड की बात कर ली जाए तो नीचे की तरफ इसमें एक जो आगे डिलीट बटन दिया गया है, उसको लॉक अनलॉक करने के लिए स्विच दिया गया है। इस सिर्फ ये लॉक होगा और सिर्फ अनलॉक होगा। और इधर आपको ये रफ पैड की जो मॉडल है वो देखने को मिल जाएगा। और ये नीचे जो छोटा सा स्क्रू है, इसकी मदद से आप यहाँ पे जिसकी बैटरी है उसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसे एक बार आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं भी आपको इस पर कुछ लिख कर दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपने चैनल का नाम लिखा, तो इस तरीके से ये रेज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ इस तरीके से, और अब मैं कुछ भी लिखता हूँ, मान लीजिए मैं 1 2 3 आपको लिख कर दिखाता हूँ, तो इसे अगर मैं अब इरेज करूँगा तो ये इरेज नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे पीछे से लॉक कर दिया है। और जैसे मैं इसे अनलॉक करूँगा इस तरीके से, तो ये इरेज हो जाएगा। तो ये कुछ इसका फंक्शन था जो मैंने आपको बताया, और आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिम है ये, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और काफ़ी लाइट वेट भी है, और थोड़ा डेलिकेट भी लगता है मुझे, मीन्स ये ऐसा लगता है जल्दी टूट जाएगा, पर इतना भी कोई ये डेलिकेट नहीं है। और बात कर ली जाए इसके जो साथ में पेन दिया गया है, तो ये अच्छा है, पर अगर ये राउंड शेप में होता तो काफ़ी अच्छा रहता है। ये फ्लैट पेन दिया गया है, तो इससे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, और थोड़ा अजीब सा लगता है इसे लिखने में, पेन वाली फील नहीं आती। तो ये थी आज की अनबॉक्सिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग में। थैंक यू।